गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पे ही हैं और सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपना ध्यान रखते हैं। प्लीज़ टाइम पे खाइए, टाइम पे सोइए, टाइम पे मस्ती कीजिए, लेकिन टाइम पे पढ़ाई भी करते रहिए। दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, 5 से 7 मिनट का, मुश्किल से ज़्यादा लंबा है नहीं। बहुत डिमांड आ रही है, बहुत ज़्यादा बच्चे लिख रहे हैं। अभी कई बच्चों के तो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, जो है पढ़ाई तो करनी है ना, आज नहीं तो कल काम आएगी। देखो दोस्तों, हमारा रिक्वायरमेंट आ रही है टॉपिक की, परपेचुअल और पीरियोडिकल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, जिसने भी कॉस्ट अकाउंटिंग की मेरी क्लास अटेंड कर ली है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, आई रिपीट, जिसने भी मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास अटेंड करी है, परपेचुअल सिस्टम, जिसमें हमने किया था लीफो, फीफो, हीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज, उसको ये चैप्टर बहुत जल्दी से समझ आएगा। वो टॉपिक बड़ा आसान है ये वाला। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, उसमें एक टॉपिक होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन किसी टॉपिक का पार्ट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ कंपनी, और कंपनी को अपने रिकॉर्ड्स, अपने स्टॉक को कंटिन्यूसली चेक करना होता है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली का मतलब होता है कि अगर मैं कंटिन्यूसली चेक करता रहूंगा, आज कितना है, कल कितना है, परसों कितना है, परसों कितना है, उसके अगर कितना है, इट विल बिकम डैम डिफिकल्ट मैनुअली टू गो टू द स्टोर रेगुलरली एंड चेक। उस केस में कंपनी फॉलो करती है परपेचुअल। इंग्लिश का फर्क है सिर्फ, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार चलने वाला, कभी खत्म ही नहीं होगा, जब तक कंपनी चलेगी डेली चलेगा। अब आप पूछो 1 घंटे बाद कितना रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, 2 घंटे बाद कितना आपको मिल जाएगा, दैट इज परपेचुअल एंड इट इज नेवर एंडिंग। आप सोचो, ये मैनुअली भी मुश्किल है, ये मैनुअली बहुत मुश्किल है करना, कि आप फिजिकली हर चीज को जाके चेक करते रहो। तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं स्टोर लेजर अकाउंट, जिसमें आप यूनिट्स परचेज, यूनिट इशू, यूनिट बैलेंस ऐसे निकालते हो, उसको लीफो, फीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज से सॉल्व करते हो। नहीं समझ आएगा तो प्लीज अभी आप इसको खत्म करने के बाद गो टू माय प्लेलिस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, और आप उसमें लिखो इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड यू विल फाइंड लीफो फीफो मेथड सारे के सारे। पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है कि सपोज आज आप अपने घर में बैठे हो, 10 दिन के बाद राशन कितना है घर में या नहीं है, तो आपने चेक किया, तो आप गए अपने किचन में, गए और किचन में जाके आपने चेक किया, लेकिन उसके अंदर ये नहीं कि आप डेली चेक कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आज चावल कितने हैं, आज गेहूं कितना है, आज कितना आटा है, कितना हमारे पास दालें हैं, आप पीरियोडिकल चेक कर रहे हो। आप कभी कभी जाओगे, पीरियोडिकल चेक करोगे और आ जाओगे, लेकिन उसमें भी हम सिस्टम फॉलो वही करते हैं, फीफो, लीफो, हीफो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, स्पेशली इंडस्ट्रियल गुड्स की, उनको ये चेक करना पड़ता है कि कौन सा सामान था, कौन सा बिक गया, कौन सा बचा है, मतलब फीफो के हिसाब से बचा, लीफो के हिसाब से बचा, एवरेज या वेटेड एवरेज, उसका कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है कि अगर हम फीफो यूज़ करेंगे तो बैलेंस लीफो से बचता है, अगर लीफो यूज़ करेंगे तो बैलेंस फीफो से बचता है। तो अगर आपने रिकॉल करें ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, इन दोनों का प्राइस अलग होगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या बच गया, यूनिट सोल्ड। अब आप खुद सोचो, अगर मैं फीफो यूज कर रहा हूँ तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से गया होगा, फिर परचेज में से गया होगा, जो बचा होगा वो परचेज का बचा होगा, ठीक है। तो हमारा जो बिका होगा कहाँ से बिका होगा, वो ओपनिंग और कुछ परचेज में से अगर एक्स्ट्रा बिका होगा तो वहां से बिका होगा, तो फीफो के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर लीफो यूज करता तो ओपनिंग था और परचेज था, तो क्या हो गया, मैंने परचेज में से पहले इशू किया होगा, तो जो बैलेंस बचा होगा कहाँ से बचा होगा, वो ओपनिंग स्टॉक से बचा होगा। तो ये एक लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग है कि पीरियोडिक के केस में आप समटाइम यू गो टू द स्टोर मैनुअली एंड फिजिकली काउंट द स्टॉक। आपने देखा फिजिकली कितने कितने स्टॉक है, 1, 2, 3, 4 सारे डब्बे चेक करे आपने, फिर तो उसके बाद आपने चेक कर लिया। इट इज़ वेरी इजी, लेकिन ये बहुत लाइक अगर आपकी कंटिन्यूसली सप्लाई नहीं आती है, कभी कभी आती है, तो आप पीरियोडिकल चल सकते हो, लेकिन डेली की सप्लाई चल रही है। अब टाटा, बिरलाज, रिलायंस, ये सब लोग क्या हफ्ते में एक बार चेक करेंगे, 10-30 दिन में एक बार चेक करेंगे, नहीं कर सकते ना, इनको डेली चाहिए कुछ ना कुछ, तो दे फॉलो द परपेचुअल सिस्टम। तो अब इसके अंदर हमारे पास 5 डिफरेंसेस हैं, आज आपको डिफरेंसेस समझा रहा हूँ, अगर आपको तब भी समझ नहीं आएगा तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, हालांकि इसके अंदर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ परपेचुअल पे आते हैं। तो देखते हैं, मैंने कुछ कॉपी वगैरह कह रहा है कहीं से, नोट्स वगैरह समझाने के लिए आपको, परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिकल सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। सबसे पहला डिफरेंस है अकाउंट्स। अंडर द परपेचुअल सिस्टम देयर आर कंटिन्यूअल अपडेट्स, इट इज अ कंटिन्यूअल अपडेट्स टू ईदर टू जनरल लेजर और इन्वेंटरी लेजर एज इन्वेंटरी रिलेटेड ट्रांजेक्शन अकर।
जैसी ट्रांजेक्शन अकर होगी वैसी वो जनरल लेजर में अपने आप चला जाएगा, अपने आप कैसे जाएगा, थ्रू द यूज ऑफ डेफिनेटली सेकेंड पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम। कन्वर्सली अंडर ए पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम देयर इज नो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट एंट्री एट ऑल इन अकाउंटिंग पीरियड अंटिल सच टाइम एज देयर इज ए फिजिकल काउंट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री कब होगी, जिस समय हम फिजिकल काउंट करेंगे। तो हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्लोजिंग स्टॉक के बाद बचा जो चला गया जो बिक गया वो कहाँ से बिका होगा, ओपनिंग से या परचेजेस से, दैट इज ओनली एंट्री फॉर पीरियोडिकल एंट्री which is then used to derive the cost of goods sold based upon LIFO, FIFO, average, weighted average, जो भी आपका यूज करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, इट इज impossible to manually maintain the records for perpetual inventory system। हर एक घंटे में आपका सामान आ रहा है, हर दो घंटे में सप्लाई आ रही है, हर एक दिन में सप्लाई आ रही है, 365 दिन आपकी सप्लाई आती है, तो आप कैसे उसको एंट्री फिजिकली काउंट करते रहोगे। सपोज सीमेंट का काम है आपका, सीमेंट वालों का, अब सीमेंट के आप चेक करते रहोगे कितने बोरे आए, बार बार इतने बोरे आए, इतने बोरे आए, इतने बोरे आए, इतने बोरे आए, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं ना। देन यू प्रेफर टू गो विद द परपेचुअल सिस्टम। आप क्या परपेचुअल सिस्टम के हाथ से बनाते रहोगे, एग्जाम में तो बनाना पड़ेगा ऑफकोर्स, लेकिन क्या रियल लाइफ में बना सकते हो। एग्जाम में तो आपको रिकॉर्ड कितने आते हैं, 10 दिन का मैक्सिमम रिकॉर्ड आता है, लेकिन कंपनीज में तो 365 दिन चल रहा है, 7 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल, कई कंपनी तो पुश्तैनी चल रही है। So what they use computers. It is impossible to manually maintain the records for a perpetual inventory system since there may be thousands of transactions at the unit level in every accounting period. Conversely, the simplicity of periodic inventory system allows for the use of manual record keeping for small inventories, for very small inventories. याद रखना, ये जहाँ पे inventory छोटी होती है वहीं पे possible है हमारा periodical. अगर लगातार चल रही है, बार बार आ रही है, स्टॉक भरता जा रहा है, देन यू हैव टू फॉलो परपेचुअल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर द परपेचुअल सिस्टम देयर आर कंटिन्यूअल अपडेट टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट एज ईच सेल इज मेड। तो होता क्या है, एक होता है इशू, एक होता है परचेज, फिर इशू, फिर बैलेंस। तो अल्टीमेट देखो ना, जितना भी इशू वाला पार्ट है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप डेली की डेली हर टाइम उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हो, साइमल्टेनियसली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी रिकॉर्ड हो रही है कि जो सामान गया उसकी कॉस्ट कितनी, जो सामान गया उसकी कॉस्ट कितनी, जो सामान बिका उसकी कॉस्ट कितनी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कमिंग रेगुलरली, लेकिन पीरियोडिकल में जिस समय आप जाओगे फिजिकल काउंट करने उस समय हिसाब लगाओगे एंड देन यू कैन चेक। तो कहते हैं अंडर द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट वाला रूल याद आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कैलकुलेटेड इन लंप सम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बाय एडिंग टोटल परचेज टू द बिगनिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस एंड सब्ट्रैक्टिंग एंडिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब अकाउंटिंग का फॉर्मूला। इन द लेटर केस इट दिस मीन्स इट कैन बी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ए प्रिसाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिगर प्रायर टू द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब तक अकाउंटिंग पीरियड एंड नहीं होगा तब तक आप ये चेक नहीं कर सकते कि आपका कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। साइकिल काउंटिंग, साइकिल का मतलब होता है पीरियोडिकल साइकिल, कितने टाइम के बाद आप पीरियोडिकल करोगे, कितने टाइम के बाद परपेचुअल करोगे। इट इज इम्पॉसिबल टू यूज साइकिल काउंटिंग अंडर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। पीरियोडिक में साइकिल होती ही नहीं है, जब आपका मालिक बोलेगा तब करोगे या अकाउंटिंग ईयर के एंड में करोगे, लेकिन परपेचुअल में देयर इज अ साइकिल गोइंग ऑन। इट कैन बी डेली, इट कैन बी वीकली, इट कैन बी मंथली, इट इज गोइंग ऑन रेगुलरली, इट इज नॉट वन डे और वन टाइम। परचेजेस अंडर द परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन ईदर द रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट और मर्चेंडाइज अकाउंटिंग डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ परचेज। इसका मतलब होता है कि जब हम परपेचुअल यूज करते हैं तो जो भी इन्वेंट्री परचेज होती है सीधा वो कहाँ जाती है, स्टोर लेजर अकाउंट में। ठीक है, अगर याद ना रहे तो मैं नाम लिखता हूँ बड़ा बड़ा यहाँ पे इसका, इसको बोलते हैं स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट में हम सीधे उसकी एंट्री कर देते हैं, मतलब मर्चेंडाइज अकाउंट में। वाइल देर इज ऑल्सो ए यूनिट काउंट एंट्री इन द इंडिविजुअल रिकॉर्ड दैट इज कैप्ट फॉर ईच इन्वेंटरी आइटम, हर इन्वेंटरी का आइटम की डिटेल होती है उसमें स्टोर लेजर अकाउंट में। कन्वर्सली अंडर ए पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम ऑल परचेजेस आर रिकॉर्डेड इनटू अ परचेज एसेट अकाउंट एंड देर आर नो इंडिविजुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स टू विच एनी यूनिट काउंट इन्फॉर्मेशन कुड बी एडेड।
पूरे महीने में कितनी परचेज हुई सब इकट्ठे लिख दी, पूरे साल में कितनी परचेज हुई सब इकट्ठे लिख दी। लेकिन परपेचुअल में क्या होता है, हर दिन कितनी हो रही है वो सेपरेट लिखा जा रहा है, क्योंकि डेली के डेली प्राइस फ्लक्चुएशन कैन बी देयर। तो अगर मैं एक डिफरेंस और ऐड कर दूं तो डेली का जो प्राइस फ्लक्चुएशन है इट इज टेकन केयर बाय परपेचुअल, बट इट मे नॉट बी टेकन केयर बाय पीरियोडिकल। वो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, दैट इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ लार्ज इन्वेंट्री। ट्रांजेक्शन इन्वेस्टिगेशन, ट्रांजेक्शन इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू ट्रैक थ्रू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम टू डिटरमिन व्हाई एन इन्वेंटरी रिलेटेड एरर ऑफ एनी काइंड अकर्ड। अगर पीरियोडिक चेक करोगे, साल में एक बार जाके देखोगे, महीने में एक बार जाके देखोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर डेट पे, उस तारीख को, उस तिथि पे हमारे पास कुछ गड़बड़ हुई अकाउंट के अंदर, किस डेट पे गड़बड़ हुई थी अकाउंट के अंदर, बहुत मुश्किल है। लेकिन परपेचुअल में बेनिफिट क्या होता है, हम डे वाइज एंट्री कर रहे हैं, डे वाइज कंटिन्यूस कंप्यूटर में चल रहा है। तो जैसी गड़बड़ हुई आपने एक बिल निकाला, वाउचर निकाला, वाउचर से परचेजेस को मैच करना शुरू कर दिया डेली का, हो गया। फिर आपने कहा नहीं इसमें गड़बड़ नहीं है, चलो इशू में आते हैं, तो इशू की आपने जो रिसीव अपने स्टोर लेजर से इशू किया है उसको फिजिकल अकाउंट से या उस दिन की पर्टिकुलर एंट्री चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डेट पे गड़बड़ हुई है या चूक हो गई हमसे, जरूरी चोरी हुई हो, बहुत सी चोरी भी हो गई हो। सो व्हाट इट सेज, दिस लिस्ट मेक इट क्लियर दैट द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज वास्टली सुपीरियर, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, देन पीरियोडिकल सिस्टम वास्टली सुपीरियर। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये उन्हीं कंपनीज के लिए सक्सेसफुल है जहां पर बहुत ज्यादा स्टॉक हम करते हैं अपने लिए। द प्राइमरी केस वेयर ए पीरियोडिक सिस्टम माइट मेक सेंस इज व्हेन द अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी इज वेरी स्मॉल। तो पीरियोडिक कहाँ पे चलेगा, जहां पे इन्वेंटरी छोटी है, कम है, एंड वेयर यू कैन विजुअली रिव्यू इट विदाउट एनी पर्टिकुलर नीड फॉर मोर डिटेल इन्वेंटरी रिकॉर्ड। हाँ भाई परसों कितना था, 10 पैकेट थे, आज कितने हैं, 12 हैं, चलो दो ऐड हो गए, आपने चेक कर लिया। लेकिन पहले कितने थे, ये 10,000 थे, अब कितने हैं, 1,00,000 हो गए। अरे भाई कैसे चेक किया जाएगा, एक एक को काउंट करोगे तो लग जाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भूल गया, फोन आ गया था बीच में, है ना भूल गया तो उसके लिए ध्यान रखना है। द पीरियोडिक सिस्टम कैन ऑल्सो वर्क वेल व्हेन द वेयर हाउस स्टाफ इज पुअरली ट्रेन्ड। पीरियोडिक सिस्टम वहां भी फॉलो करता है जहां पे ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं होती इन द यूज ऑफ अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, सिंस दे माइट इनएडवर्टेंटली रिकॉर्ड इन्वेंटरी ट्रांजैक्शंस इनकरेक्टली इन अ परपेचुअल सिस्टम। अब हमारे पास स्टाफ ऐसे जो पढ़ा लिखा नहीं है, अब उनको बोले परपेचुअल करो, हो गया बाबूजी परपेचुअल क्या होता है, तनख्वाह 2,000 रुपये 3,000 रुपये दे रहे हो, तनख्वाह दे रहे हो 3,000-4,000, काम कराने 50,000 का, ऐसे कैसे ट्रेनिंग दे दो, और ट्रेनिंग तो पॉसिबल नहीं, काम कर सुबह आके काउंटिंग करना शुरू कर दिया कर, है ना, लाला जी ऐसे ही बोलते ना। तो हो रहा क्या कि परपेचुअल और पीरियोडिकल में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, फॉलो दोनों में हो सकता है लिफो फीफो, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि छोटी इन्वेंटरी के लिए पीरियोडिकल, ज्यादा कंटिन्यूस सप्लाई के लिए परपेचुअल, लॉन्ग टर्म चलना है तो परपेचुअल चलाओ, शॉर्ट टर्म चल रहा है तो आप पीरियोडिकल चलाओ, स्टाफ ट्रेंड नहीं है तो पीरियोडिकल चलाओ, स्टाफ ट्रेंड है, एजुकेटेड है, अच्छा है तो परपेचुअल चलाओ। तो दीज आर ऑल डिफरेंसेस बिटवीन परपेचुअल एंड पीरियोडिकल सिस्टम। ये छोटा सा टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि कल भी रात को एक डिमांड आई थी कि सर हमें जो पढ़ा दो, आप ही के चैनल से पढ़ रहे हैं हम, तो ये जरूरी नहीं कि मेरे चैनल से ही पढ़ना है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इट इज जस्ट बिकॉज कि आप पढ़ना चाह रहे हैं, मेरी कोशिश ये कि जो आप पढ़ना चाहते हैं मैं आपको पढ़ा सकूँ। ऑलराइट, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, इस समय पूरी दुनिया घर बैठी हुई है तो प्लीज सबको बच्चों को पढ़ाई करनी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, आपको एक दूसरे का सपोर्ट करना है, मैं सिर्फ जरिया हूँ। ऑलराइट, तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।